लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दिनों की यादें लौटा रहा हूं, इसलिए कि कहीं जलन की वजह से ये टुकराया हुआ मन बगावत न कर बैठे। आज तुम पर मेरा कोई अधिकार न रहा, तुम आज पराई हो गई हो। फिर भी इतना कहता हूं कि ब्याह मंडप में अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते वक्त समझ लेना कि वो मेरे प्यार की चिता है, तुम्हारा कैलाश। नहीं कैलाश, नहीं। क्यों नहीं? अभी तो हलक भी तर नहीं हुआ। पी पी के गम हलक करना चाहते हो? गम? गम कैसे? आज तुम्हारी माधवी पराई हो गई ना। शबनम, जिंदगी में न जाने कितनी माधवियां आई और कितनी चली गई। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि उसके मामा की तारत पराई। इस दर्द को शराब के शोलों से चलाना चाहते हो? शबो, मैं जो आग लगाता हूँ उसे बुझाना ही जानता हूँ। छोड़ दो ना, ये क्या कर रहे हो? तुम बड़े जालिम हो। मैं आ गई हूँ कैलाश। लेकिन तुम्हारी तो आज शादी होने वाली थी ना? होने वाली थी, लेकिन मैं लोक लाज के सारे बंधन तोड़कर घर से भाग आई हूँ। ये तुमने क्या किया माधवी? मैंने नहीं, तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे खत ने मुझे इतना साहस दे दिया कि ब्याह मंडप में बैठने से पहले मैं तुम्हारे पास चली आई, सब कुछ छोड़कर। ये तुमने अच्छा नहीं किया माधवी। तुम्हारी इस खता के लिए तुम्हारे मामा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये तुम्हारा वक्ती जोश है माधवी। जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर वापस लौट जाओ, इसी में हम दोनों की भलाई है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मेरी भलाई इसी में है कि अब तुम्हारे चरणों में अपना जीवन बता दूं। प्यार अपनी जगह है माधवी, दौलत अपनी जगह है, जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं सिर्फ, मेरा मतलब है अगर तुम घर से इस तरह भाग गई तो तुम्हारे मामा तुम्हें बेदखल कर देंगे। माधवी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे साथ किसी किस्म की भी बेइंसाफी हो। अगर तुम्हारे मामा राजी खुशी हम दोनों की शादी कर देते तो उनकी जायदाद हमारी नई जिंदगी की बुनियाद बन जाती है। बगैर तुम्हें क्या जिंदगी है? माधवी, माधवी, माधवी। तो ये है तुम्हारा दबाबाज, फरेबी, दौलत के भूखे, अपनी असलियत पर प्यार का पर्दा डालकर तुम मुझे धोखा देते रहे। तुम्हारे चेहरे से नकाब एक दिन पहले ही उतार दिया। मैं छोड़ मुझे नीच।
अपनी काली जबान में मेरा नाम, मुझे तुमसे नफरत है। ने पाला पोसा उसी की नाक कटवा के रख दी। अरे देखने में कैसी भोली लगती थी, पर कैसा गुल खिलाया कुलच्छिनी ने। अरे मामा बेचारे तो इस बुढ़ापे में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बाबू राजकिशन की भांजी माधवी हो ना, तुम्हारी बारात लौट गई थी, हम ले चले कहीं। न्याय करता है, कहां तक का सफर है? नैनीताल, वहां मेरी ससुराल है, पहली बार जा रही हूं। ससुराल? पहली बार जा रही हो? हां मधु, उन्होंने अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, मैं तो अब भी ना जाती, सिर्फ इसके लिए जा रही हूं। अरे हां मधु, तुमने अपने बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, सुना था तुम्हारी शादी होने वाली थी।
होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। क्यों? लंबी कहानी है पूनम, क्या क्या बताऊं? अच्छा ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो, बोलो ना। आंधी में उड़ते हुए पत्ते को क्या मालूम उसे कहाँ से कहाँ भटकना होगा। नहीं मधु, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे साथ नहीं चल चलो। नहीं पूनम, तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं उनसे कह दूंगी तुम मेरी बहन हो, हमारा और कोई सगा संबंधी तो है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई हूँ। कभी इस झूठ का पता चल गया तो? ये झूठ नहीं है मधु, तुम मेरी बचपन की सहेली हो, और फिर उन लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा, वो मेरे लिए अजनबी है और मैं उनके लिए अनजान। हम दोनों मिलके सुख दुख बांट लेंगे और इस मुन्ने का सहारा बनकर जिंदगी गुजार देंगे। दीदी चलिए आपकी गाड़ी आ रही है। आती हूँ, चलो मधु तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, चलो ना। मधु क्या सोच रही हो? यही, अगर तुम्हारा सहारा ना होता तो मेरा रास्ता क्या होता, मेरी मंजिल किधर होती? छोड़ो भी इन बातों को, आओ मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ये देखो मुन्ने की सालगिरह की फोटो, और ये है हमारी शादी की तस्वीर। कितने सुंदर थे तुम्हारे स्वामी, क्या नाम था उनका? शेखर। अब तो उनकी याद ही जिंदगी का सहारा बन गई है, और ये है उनकी चिट्ठियां जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा मेरे साथ हो, और ये है मेरे ससुर जी की चिट्ठी। लिखा है, बहू भगवान ने शायद शेखर को हमसे इसीलिए छीन लिया हो कि हमें हमारी भूल की सजा मिल जाए, लेकिन अब तो इतना ही कहना है कि तुम्हारी गोद में हमारे घराने का चिराग है, अगर हो सके तो अपने सास ससुर को माफ कर दो और बच्चे को लेकर फौरन चली आओ, हमारा घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। ऐसा लगता है बहुत ही दुखी मन से लिखा है, वहां जाने का फैसला करके तुमने बहुत अच्छा किया। एमरजेंसी हॉस्पिटल है, डॉक्टर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? पूनम कहाँ है? हम किसी का नाम नहीं जानते, आप ठीक हो जाएं तो खुद देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? चलिए मौजूद हैं, इनकी हालत बहुत सीरियस है। अभी अभी इन्होंने तीन चार पीने की कोशिश की थी, मैंने इन्हें नीम का इंजेक्शन दिया है। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। देखिए हमारे पास स्टाफ कम है, अब इन्हीं के पास रहिए। पूनम मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। नहीं पूनम, पूनम कौन? मैं मधु, तुम्हारी मधु। मधु मुन्ना, मुन्ना मुन्ना सो रहा है, वो देखो। मेरे लाल,
मधु, मधु मेरे पास आ। मैं तुम्हारे पास हूँ, बोलो। मैं जा रही हूँ। नहीं पूनम, ऐसी बात मत करो। मधु, मधु मुझे वचन दो, तुम उसको संभालोगी, उसकी परवरिश करोगी। हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। नहीं मधु, अब वो तुम्हारा और तुम उसकी माँ। नहीं पूनम, तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं मधु, नहीं, मेरे पाँव कट चुके हैं। पूनम, हाँ मधु, वो लोग एक अपाहिज को अपने घर की बहू का सम्मान नहीं देंगे। मधु, तुम वहाँ पूनम बनकर चली जाओ। नहीं पूनम, ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्या तुम उसको बेसहारा छोड़ दोगे? क्या तुम मन्ने की परवरिश नहीं करोगे मधु? नहीं पूनम, लेकिन मैं मधु, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो मधु। तुम उसकी माँ की तरह रहोगी। नहीं पूनम, मुझे वचन दो मधु, मेरे प्राण अटके हुए, मुझे वचन दो, मुझे मुझे दीदी। थैंक यू, आप आइएगा। आपकी बहन के बारे में हमें बहुत अफसोस है। आपका नाम? पूनम। और बच्चे का? राजीव। यहाँ से कहाँ जाएंगी? आपका पता? केयर ऑफ दीवान दीनानाथ, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, लेक व्यू, नैनीताल। ड्राइवर, कितना रास्ता बाकी है? बस मैम साहब 23-24 मील और होगा, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1.5-2 घंटे? अच्छा, रास्ते में कोई होटल दिखाई दे तो रोकना, बच्चे के लिए दूध लेना है। जी मैम। लाइए मैम साहब। सीधी सड़क से जल्दी पहुंच जाएंगे मैम साहब, शाम होने से पहले। लेकिन इधर तो घने जंगल है, गाड़ी वापस ले चलो। मैं कहती हूँ गाड़ी वापस ले चलो। मैं कहती हूँ गाड़ी वापस ले चलो, सुनते नहीं? गाड़ी रोको, कहती हूँ गाड़ी रोको। वो भी बच्चे के साथ। प्रेम साहब, क्योंकि बीमार है सब मेरे हवाले कर दो, समझी? बचाओ! 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 बचाओ!
लीजिए आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने होते तो। इसकी कोई जरूरत नहीं, अब आप इस टैक्सी में तो जा नहीं सकती, कहीं तो मैं आपको अपनी जीप पे छोड़। जी। जाना कहाँ आपको? नैनीताल। नैनीताल? ये रास्ता तो अल्मोड़ा जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर गलत रास्ते पे ले आया। ऐसे मौसम में आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। खैर इस वक्त नैनीताल जाना तो नामुमकिन है, बारिश में पहाड़ी नाले रास्ते पर बहने लगते हैं, रास्ता रात पर बंद रहता है। जी? तो फिर मैं। घबराइए मत, मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, थोड़ी दूर पर मेरा मकान है, अगर आप मुझ पर यकीन हो तो रात पर यहीं ठहर जाइए, मैं कल आपको छोड़ा हूँ। मुन्ना सो गया? जी। आपको कविता का भी शौक है? जी था कभी, सिर्फ पढ़ने का ही नहीं लिखने का भी। आखिरी गीत लिखा था वो भी अधूरा रह गया। ना कोई तरंग है ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। बहुत सुंदर। लेकिन जब से जीवन की सच्चाई समझ में आई, कविता की कोमल कल्पना समाप्त हो गई, और अब तो यहाँ के घने जंगल, खतरनाक मौसम, भूखा जानवर ही भले लगते हैं। खैर छोड़िए, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जब से आप मिली हैं, मुझे ऐसे लगता है शायद आपको पहले कहीं देखा है। न जाने क्यों, कभी कभी किसी को देखकर ऐसे लगता है पहचान पुरानी है। क्या नाम बताया आपने? पूनम। नैनीताल में कहाँ रहती हैं? रहती नहीं, पहली बार जा रही हूँ, वहाँ मेरी ससुराल है। ससुराल है और जा रही पहली बार, मैं कुछ समझा नहीं। जी, उन्होंने अपने माता पिता के मर्जी के खिलाफ शादी की थी इसीलिए। वो समझा। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो लोग? वहाँ के रिटायर्ड कलेक्टर दीवान दीनानाथ जी मेरे ससुर हैं। दीवान दीनानाथ जी वो लेक व्यू वाले आपके ससुर, यानी कि आप शेखर की पत्नी हैं? लेकिन लेकिन वो तो ट्रेन एक्सीडेंट में बच गई। कितनी अनोखी बात है ना? ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मेरे ससुराल वालों को कैसे जानते हैं? वो भी तो मेरा अपना ही घर है, पिताजी और दीवान जी मुंह बोले भाई हैं। बचपन में शेखर और मैं एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, लेकिन जब बड़े हुए तो रास्ते अलग हो गए। उन दिनों 5 साल की ट्रेनिंग के लिए मैं जर्मनी गया था, जब वापस आया तो पता चला शेखर ने शादी कर ली, और फिर वो एक्सीडेंट। कितनी अजीब है ये जिंदगी, आज बचपन के दोस्त की पत्नी को पहली बार देख रहा हूँ, वो भी एक विधवा के रूप में। इतना नजदीकी रिश्ता है इसलिए मन बार बार कह रहा था शायद आपको पहले कहीं देखा है। आप क्या सोच रहे हैं? यही कि वो लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे? आपको देखकर आपकी गोद में अपने खानदान के वारिस को पाकर फूले नहीं समाएंगे, और फिर आप ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा है। छोटे बाबू खाना लगाऊं? अरे हाँ, इन्हें भूख लगी होगी। और देखो शंभू काका, ये हमारे घर की मेहमान ही नहीं, दीवान जी के घर की बहुरानी भी हैं। इन्हें या दीवान साहब को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझे? ये कैसे हो सकता है, ये हमारे सर आंखों पर। पूनम जी, इस वक्त इस बारिश में जाना तो नामुमकिन है, सुबह होते मैं आपको छोड़ाऊंगा। अच्छा सुबह मुलाकात हो। आप कहीं जा रहे हैं? जी वो मजबूरी है, क्लब में अफसरों के साथ पार्टी है, जाना ही पड़ेगा। और अगर आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो चिंता मत कीजिए, इसे आप नहीं घर समझिए। हाँ हाँ, पेटी रख दी गाड़ी में? हाँ रख दी। सुनो, तुम रोज रात को कहाँ जाते हो और क्यों जाते हो सो मैं नहीं पूछता, पर आज अंधेरी रात, बारिश और तूफान, फिर उसमें मेहमान,
अगर ऐसे में न जाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। शंभू काका, पिताजी ने तुम्हें यहाँ बहस करने के लिए नहीं, काम करने के लिए भेजा है, इसलिए हर बात में दखल मत दिया करो। चाहिए अपना काम कीजिए। चाहिए अपना काम कीजिए, बचपन में गोद में खिलाया सो कुछ नहीं, अब मुझ पे हुकुम चलाते हैं। चलो बिटिया, तुम तो खाना खा लो, आओ। आओ। शंभू काका, तुम्हारे साहब रोज रात को घर से चले जाते हैं। हाँ, बहुत समझाता हूँ पर नहीं मानते। दिन भर काम में लगे रहते हैं और शाम होते ही बेचैन होने लगते हैं। कभी क्लब में और कभी जंगलों भटकते रहते हैं और शराब में अपना दुख भुलाने की कोशिश करते हैं। क्या वो शराब भी पीते हैं? पहले तो छूते भी नहीं थे, 5 साल विलायत में रहे फिर भी नहीं पी, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई? न मानो तो कुछ नहीं और मानो तो क्या नहीं हो गया। शराफत के बदले में धोखा मिला, तब से मन टूट गया। किसने दिया धोखा? एक लड़की ने। लड़की ने? हाँ बिटिया, अब तुमसे क्या छिपाना, इनके पिता ने एक लड़की पसंद की थी, लड़की को बिना देखे ये शादी के लिए राजी हो गए। फिर क्या हुआ? फिर एक अनहोनी हो गई। जब ये बारात लेकर ब्याह के लिए पहुंचे तो लड़की घर छोड़कर भाग चुकी थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की राक्षसी होगी, जिसने बिना देखे ऐसे देवता को ठुकरा दिया। शादी कहाँ तय हुई थी? गंगापुर में। लेते हुए नाम मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया, सागर तो ही ले ले मेरे खुदा, दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया, सागर कोई ले ले मेरे खुदा, दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो, भी जाने यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ,
यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। बड़ी जल्दी लौटे? हाँ, लौटने में थोड़ी सी देर हो गई। देखो अगर पूनम जी जाग गई हो तो उन्हें कहिए तैयार हो जाए, मैं उन्हें छोड़ा हूँ। वो चली गई। चली गई? जाती नहीं तो क्या करती? बेचारी मन में क्या सोचती होंगी, दीवान साहब क्या कहेंगे। लेकिन कैसे गई, कहाँ गई? अपने घर गई और कहाँ जाती। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन नहीं मानी, हार कर बिरजू मल लकड़ी वाले के ट्रक में बिठा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ शंभू काका, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। उन्होंने मुझे रोक दिया, मैं क्या करता। लो ये चिट्ठी दे गई। चिट्ठी कमल जी, आपको मेरे कारण जो कष्ट हुआ है उसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपकी आखिरी कविता मेरे ही जीवन की कहानी है, न कोई उमंग है न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। यही है दीवान साहब की कोठी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाश्ता बना है? नमक क्यों नहीं डाला? डॉक्टर साहब बोले थे कि नमक आपको नुकसान करे। तो जाओ उसी डॉक्टर को खिला जाके। अरे ये क्या, कौन हो तुम? जी मैं पूनम हूँ। पूनम आपकी बहू। क्या? ये रही आपकी चिट्ठी जो आपने लिखी थी। बहू पूनम शेखर की पत्नी। और ये है आपकी अमानत, उनकी निशानी। मेरे शेखर का बेटा। बहू मैं ये सपना तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सच कह रही हो? हाँ बाबू जी। वो ट्रेन एक्सीडेंट, तुम उससे बच गई। जी मेरा सौभाग्य है आपकी सेवा करने के लिए और आपके खानदान के वारिस को आपकी गोद में सौंपने के लिए बच गई। अरे मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा लाल, मेरा मुन्ना। अरे शेखर की माँ, देखो कौन आया है। बहू आई है, मुन्ना आया है। शेखर की माँ, रमैया क्या चलिए शेखर बात बोला। अरे मेरा लाल, मेरा मुन्ना। माँ जी क्या है रमैया? माँ जी नीचे चलो, मुन्ना आया है, बहुरानी आई है। बहुरानी ये तो क्या कह रही है? ओहो माँ जी नीचे चल के तो देखो कितनी प्यारी बहुरानी है, कितना सुंदर मुन्ना है। चलो तो आइए ना। शेखर की माँ देखो तो बहू आई है, मुन्ना आया। माँ जी मुन्ना, मेरे शेखर की पत्नी, मेरे बहू बाजी मुन्ना।
देखा आपने, भगवान की कैसे अनोखी लीला है। कभी सब कुछ छीन लेता है, कभी बहुत कुछ दे देता है। तुम जैसी बहू को ठुकरा कर हमने बड़ी भूल की। आज हमारा प्रायश्चित हो गया, तुम आ गई, मुन्ना आ गया, हमारे अंधेरे घर में फिर से उजाला हो गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ कमल, आओ। नमस्ते जाए। जीत रहा बेटा, बड़े अच्छे वक्त पर आए। देखो तो कौन आया है, शेखर की बहू, उसका बेटा। इनसे मिलने का मौका मुझे पहले ही मिल चुका है। वो कैसे? जिस टैक्सी पे आ रही थी उसका ड्राइवर इन्हें लूटना चाहता था, एंड मौके पर मैं पहुंच गया और वो बदमाश भाग गया। कल रात बारिश और तूफान होने की वजह से मैंने इन्हें अपने यहाँ ठहरा लिया था। भगवान तुम्हारा भला करे। ये इन्हीं के उपकार का फल है बाबूजी, जो मैं आपके सामने हूँ। चलो बेटे, थकी हारी आई हो, थोड़ा आराम कर लो। कमल बेटे जाना नहीं, रमैया कमल बाबू को चाय देकर बहू का बक्सा ऊपर लाना। जी माई। आओ बहू। आओ कमल, आओ। बहुत दिनों के बाद आए हो, एक शतन की बाजी हो जाए। चाचा जी हो ही जाए। हाँ, हो जाए। बहू, ये शेखर का कमरा है। वो जब से गया है यहाँ का सब कुछ वैसे के वैसे रखा है। मानो मानो वो कल ही लौटेगा, लेकिन ये सब कुछ मन का भ्रम है, झूठी आशा। लाओ बेटी, इसे अलमारी में रख दो, सामने रहेगी तो देख देख कर तुम्हें दुख होगा। नहीं माँ जी, ये छोड़कर चले गए, अब इनकी तस्वीर भी आंखों से उछल हो गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सच कहती हो बहू, अब तो बीते दिनों की याद ही जीने का सहारा है। अच्छा अब तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। रमैया जी, बहू के लिए नहाने का पानी रख दिया। अच्छा माँ जी, एक बात कहूँ बीबी जी? कहो। तब से कहना चाहती थी अब मौका मिला। क्या है? यही कि छोटे बाबू ठीक कह रहे थे कि मेरी पत्नी पूनम का चांद है, लेकिन अब तो इस चांद पर दाग है। जी जी, कैसी बातें करती हो बीबी जी। अच्छा बोल लो, घर पसंद आया? अभी तो मैं, ओहो मैं तो भूल ली गई, आपने तो देखा ही नहीं। आइए मैं बताती हूँ, आइए ना। ये देखो, सामने झील, पीछे पहाड़, इधर उधर हरा भरा जंगल, सब कैमे हैं, दीवान जी की कोठी, नैनीताल का मुकुट है मुकुट। पर ऐसा लगे है जैसे किसी बैरी की नजर लगी। छोटे बाबू घर छोड़ के गए तो सदा के लिए चले गए। दीवान जी बीमार पड़ गए, पहले कम बोले थे अब बात बात पर गुस्सा करे हैं। माँ जी पहले एकदम गर्म दिमाग थी, अब एकदम चुपचाप रहे हैं। लग गई बात तो बातों में। माँ जी कब से बुला रही हैं? बीबी जी ये मेरी बहन है, बहन वो है एक नंबर की बातों में। बीबी जी इसकी बातों में ना ना, ये पक्का झूठा है। काम चोर, मालिश कम पालिश ज्यादा, सब सब कहता हूँ बीबी जी, सब सब काम मुझे को करने पड़े। अच्छा तब तो तू बड़ा अच्छा बच्चा है, क्या नाम है तेरा? शीतू बीबी जी, शीतू। अरे बुलाने उसे आया और खुद ही पॉलिश करने लगा, ये तो मैं भूल ही गया दीवान साहब के जूतों पे पॉलिश करनी। अच्छा बीबी जी जाता हूँ, फिर आऊंगा। ये क्या हो रहा है, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया, शेखर की माँ तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा आएगा। बाबूजी आपका नाश्ता लाई हूँ। अरे बहू तुमने क्यों तकलीफ की, रमैया कहाँ गई? आपको नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए सारी चीजें मैंने खुद बनाई है, खाकर देखिए शायद आपको पसंद आ जाए। पसंद आ जाए, जरूर पसंद आएगी। अरे भाई दीनानाथ धीरे धीरे खाओ, तुम तो ऐसे खा रहे हो मानो चार दिन के भूखे हो। काशीनाथ बड़ी उम्र पाई है तुमने, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। बैठे ना भैया। मैंने कल सुना कि बहू और मुन्ना आए हैं तो सोचा चलो मिलता। ये मेरी बहू
और ये रहा मुन्ना। ओहो अरे भाई वाह वाह बहू, ये हमारे डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर कम दोस्त ज्यादा। भाई सचमुच बहुत सुंदर बहू तुम्हारी। ए नजर मत लगाओ मेरी बहू को, और देखो आज मेरा ब्लड प्रेशर देखने के बजाय अपना देखो, अब तो मैंने सोचना भी बंद कर दिया कि मैं बीमार हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा देखो ये दवाइयां बंद कर दो और ये टॉनिक मंगवा लो। अरे छोड़ो ना डॉक्टर, क्या टॉनिक वानिक। डॉक्टर साहब आप चिंता ना कीजिए, आज से बाबूजी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है, मैं टॉनिक ले आऊंगी। ये बोतलें पैक कर दो और दूसरा कोई ब्रांड आए तो वो भी रख ले। केस क्या रखे चावल बाबू, वो कैसे कहिए, इसको क्या पता कि आजकल स्कॉच की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो फिर ब्लैक में खरीद लीजिएगा। ब्लैक से जो आप नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट रखूं या ब्लैक डॉग। अरे हन चक्कर, क्या फालतू बकवास किए जा रहा है। आई है बहन जी, क्या चाहिए आपको। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप? मैं बाबूजी की दवाई लेने आई हूँ। जवाब नहीं, अभी लाता। आप यहाँ कैसे है? हाँ? अरे माधवी, माधवी तुम? जी माधवी, मुझसे कहा आपने। हाँ हाँ, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं राकेश, राकेश खटपटिया। अरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ साथ तो पढ़ते थे, बीए फाइनल में। भूल गई, मैं 3 साल नीचे लुढ़कने के बाद फिर बीए तक पहुंचा था। जी मैं। तुम अपने चश्मे का नंबर बदल दो, ये पूनम जी हैं, दीवान जी की बहुरानी, शेखर की पत्नी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वही चेहरा, वही रंग रूप, वही आंखें, वही आवाज। इस तरह हैरत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें गलत सहमी हो रही। कभी कभी एक सी शक्ल दो इंसानों की भी तो हो सकती है। हो तो सकती है। जवाब नहीं, ये रहा आपका सामान और ये रहा बिल। बिल बाद में आ जाए। जवाब नहीं क्यों बे गंजक्कर, ये विस्की क्यों तुमने नहीं पैक की। अबे मच्छर, अभी पैक करता हूँ। यार तुम भी अजीब नमूने हो यार। भाई तो तेरा हूँ ना। सर सुनिए, एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जीवन की शांति और मन के संतोष के लिए क्या इंसान को झूठे सहारों की जरूरत पड़ती है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। संसार में हर आदमी दुखी है, अगर शराब दुखों को मिटा सकती तो हर आदमी शराबी बन जाता। नमस्ते। कमल बाबू, ये रही आपकी विस्की। विस्की कैंसल। कैंसल अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन ना होता। यही क्या आपको हंसना खेलना भी आता। पप्पू ने जिद की इसलिए खेलना पड़ा, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल के इस पागलपन में। पागलपन? खुशी तो मन की तरंग होती है, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता। कमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जिस मन को दुर्भाग्य ने और समाज के बंधनों ने कुचल डाला हो, उसे झूठा दिलासा देने से क्या फायदा। आप मन की शक्ति को नहीं जानती। जिस मन में सच्ची बात ना हो, लगन हो, वो एक बंधन को तोड़ सकता है। और जिसके मन में न कोई उमंग हो, न कोई तरंग हो, जिसका जीवन एक कटी पतंग की तरह हो। आप ही के कविता के शब्द हैं। वो मेरी अधूरी कविता है। पूरी होकर भी कटी पतंग का भाग्य नहीं बदल सकती। जो एक बार अपनी डोर से कट गई, उसे दुख के थपेड़े न जाने कहां से कहां ले जाए। उसकी ना तो कोई दिशा है, ना कोई मंजिल। अरे भाई कमल, तुम कब आए। वाह वाह चाचा जी, शुक्र आप घर से बाहर तो निकले। मैं जबरदस्ती वकील साहब के यहाँ ले गई थी, डॉक्टर काशी भैया ने कहा है थोड़ा घूमना फिरना शुरू करें। हाँ वैसे भी उनके इलाज से काफी अच्छे मालूम होते हैं। उनके इलाज से
अरे कहो बहू की सेवा से। आप ठीक कह रहे हैं, इनके और मुन्ने के यहाँ आ जाने से घर में काफी रौनक सी आ गई है, बाहर सी छा गई है। आप लोग बैठिए, मैं भी काफी भिजवाती हूँ। सुना कमल, कैसे आना हुआ, क्या हाल है? हाल तो फर्स्ट क्लास है चाचा जी। दरअसल मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया था। किस लिए? कल मेरे जन्मदिन की छोटी सी पार्टी है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी आए। जीते रहो बेटे। भाई जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन कमल तुम जानते हो हम लोग किसी पार्टी में नहीं जाते। आप में से कोई नहीं आएगा तो मेरी पार्टी अधूरी सी रह जाएगी। तुम एक काम करो, बहू से कहो अगर राजी हो जाए हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन वो तो घर से बाहर निकलती ही नहीं, मैंने कितनी बार कहा पास पड़ोस में ही हो आना, पर सुनती नहीं। इनकी नहीं सुनती, तुम कहकर देखो शायद तुम्हारी बात मान ले। हाँ हाँ हाजी, क्या है, अच्छा है चली जाए, उसका मन भी बहल जाएगा। फिर तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखो तुम भी एक बार बहू से कहना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। मैंने आप डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो बैठिए। शुक्रिया। दीवान जी और पाजी आपकी शिकायत कर रहे थे। मेरी शिकायत? क्या गलती हुई मुझसे? कह रहे थे आप हर वक्त घर की चार दीवारी में बंद रहती हैं, पास पड़ोस में भी नहीं जाती। कुछ आदत सी पड़ गई है, कहीं जाने को मन ही नहीं करता। अगर कोई प्रेम से बुलाए या इनवाइट करे तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो कल लेक क्लब पे मैंने एक छोटी सी पार्टी दी है, सोचा था आपसे पूछूंगा, आप चलने से इनकार नहीं करेंगे। देखिए पार्टी में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे लिए। वैसे कोई खास बात नहीं, कुछ दोस्त आएंगे, कुछ ऑफिसर आएंगे, दरअसल मेरे जन्मदिन की पार्टी है। जन्मदिन? मेरी शुभकामनाएं। कोरी शुभकामनाएं? आप आएंगे नहीं? मजबूर हूँ। वैसे दीवान जी और माँ जी ने आज्ञा दे दी है, आप राजी हो तो उन्हें कोई एतराज नहीं। उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे। ओ, मैंने समझा मैं आपको मना लूंगा, अगर लोगों का कहना आपके अपने से ज्यादा है तो मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे भाई कमल, अब किसका इंतजार है? हमारा इंतजार है, हम आ गए। मेरी हैप्पी रिटर्न बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो। ये फूलों के हार कीजिए स्वीकार। ये क्या बदतमीजी है, कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जवाब नहीं, आपने हमें खूब पहचाना। अक्सर लोग हमें इसी खूबसूरत नाम से पुकारते। आइए आइए पूनम जी, नमस्ते। मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगी। माँ जी और बाबू जी ने कहा इसलिए आना ही पड़ा। आपने जानती है आपको यहाँ पर पाकर मुझे कितनी खुशी हो रही। आइए आपका परिचय कहा। ये है दीवान जी की बहुरानी, मेरे बचपन की दोस्त शेखर की धर्म पत्नी श्रीमती पूनम। और ये है मिस जैनी। मुझे दिलीप कुमार। मिसेज अग्रवाल है? हाँ हम तो मिल ही चुके हैं। मैं समझता हूँ कमल बाबू अब आप जल्दी से पैदा हो ही जाइए। क्यों मुकेश? हाँ मुकेश जनाब, जल्दी से केक काटिए, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ मुकेश। है सुनिए बहन जी, उस दिन शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए, लेकिन सच कहता हूँ माधवी बिल्कुल आप जैसी थी। हाँ मेरे साथ उसका एक ग्रुपिंग फोटो भी था, आप फिर तलाश करके रखूंगा। वो फोटो जब मिल जाएगा इन्हें दिखा कर और उलझन में डाल देना। करेक्ट। कमल बाबू केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कमल। दोस्तों हम सब की तरफ से कमल बाबू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, यानी के मुबारकबादी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इस खुशी के मौके पर इनसे हमारी प्रार्थना है कि वो अपनी एक मधुर कविता अपनी ही मधुर वाणी में संगीत के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करें। कृपा करें। कृपा करें।
अब तो आपको कविता सुनानी ही होगी कमल बाबू। सबके सामने हो। सब जिद कर रहे हैं तो सुना दीजिए। खैर अगर आप कहती हैं सुना देता हूँ। दोस्तों मैंने कविता लिखनी छोड़ दी थी लेकिन कुछ दिन हुए तो ऐसे लगा जैसे सोए हुए जज्बात जाग उठे प्यार की उमंगें मचलने लगी हैं। उन उमंगों और जज्बात ने जिस गीत का रूप लिया है आज वही गीत मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं।
हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। पार्टी की भीड़ भाड़ के बाद रास्ते का ये सुनापन कितना अच्छा लग रहा। कहाँ खो गए क्या? सुंदर कविता की सुगंध और मधुर आवाज के बंधन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब आपको मेरा गीत अच्छा लगा? बहुत। सच कह रही हूँ, अगर आज मैं नहीं आती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप इतना अच्छा गाते हैं। चलिए ऐसा ही सही। मुझे खुशी है कि आपको हमारी पार्टी में आने के बाद अच्छा तो लगा। मैं तो डर रही थी कहीं आपकी पार्टी में वो ना हो जो जो क्या जो हर पार्टी में होता है, हंगामा, पीपा के बहकना। जीवन की शांति और मन के संतोष के लिए क्या इंसान को झूठे सहारे की जरूरत होती जी? राकेश की दुकान में आपने यही कहा था ना? तब से मैंने शराब का झूठा सहारा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कोई किसी के कहने से शराब छोड़ सकता है क्या? कोई किसी और आप में फर्क है पूनम जी। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वहां सबके सामने देने में संकोच हो रहा था। ये मेरे लिए सबसे अमूल्य भेंट है क्योंकि तुमने मुझे दी। माफ कीजिए, मैं तुम कहेंगे आपको। अपने से छोटों को हमेशा तुम ही कहा जाता है और फिर तुम में जो अपनापन है वो आप में नहीं। आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी है पूनम। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। चलो आगे तुम लोग, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहो पार्टी कैसी रही? पार्टी तो बहुत अच्छी रही चाचा जी, लेकिन आप लोगों की कमी थी। हमारी कमी तो बहू ने पूरी कर दी ना। सच्ची कहा। अच्छा जी मैं चलता हूँ। कमल तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी आई है। मेरे पास भी आई है, बस वही पुराना राग, शादी शादी शादी। वो तो ठीक है बेटे, एक ना एक दिन इस बंधन में तो बंधना ही पड़ेगा। लड़की माँ के साथ यहाँ आ रही है, देखकर फैसला कर डालो। मेरा फैसला पिताजी जानते हैं, आप भी लिख दीजिए कमल को शादी से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा जी नमस्ते। ऐसा लगता है ये लड़का आप कभी नहीं मानेगा। बेचारे के साथ हुई भी तो बहुत बुरी, वो उसको भूल नहीं सकते क्या? तुम उसके बारे में जानती हो? जी, मुझे शंभू काका ने सब कुछ बता दिया था। तो बहू तुम एक काम करो, बातों ही बातों में उसका दिल टटोलो, शायद बांध जाए। हम तो उसे समझा समझा कर थक गए जी। देखो बेटी ठीक से पेश आना, कमल बहुत अच्छा लड़का है। डोंट वरी मम्मी, लड़के अच्छे बुरे सब एक से होते हैं, मैं उन्हें हैंडल करना खूब जानती हूँ। फिर भी बचपना नहीं दिखाना, वो लोग आ गए। नमस्ते मिसेस खन्ना। नमस्ते, ये है कमल बाबू। नमस्ते कीजिए ना। हाँ नमस्ते जी। खुश रहो बेटा, आइए। ये है मेरी बेटी मनोरमा, प्यार से हम इसे मुन्नी कहते हैं। मम्मी देखिए ना, मम्मी हमेशा मेरा नाम बिगाड़ कर इसी तरह मुझे चिढ़ाया करती हैं। अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। डोंट वरी बेटा, इनसे मिलो। ये है मिस्टर कमल सिन्हा। हाय। हाय। क्या हाय हू लगा रखी है। इनसे मिलो। ये है मिसेस शेखर। नमस्ते। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। चलो आइए बैठिए ना। आप नैनीताल पहली बार आई हैं? जी मैं तो हमेशा आती रहती हूँ, ये पहली बार आई है। पहली बार नहीं दूसरी बार मम्मी, जब छोटी सी थी तब भी तो आई थी। लेकिन बड़ी होने के बाद तो पहली बार आई है। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी बड़ी हो गई? जी आप बड़े मजाकिया मालूम होते हैं। जी हाँ कभी कभी मजाक कर लिया करता हूँ। क्या पीजिएगा? चाय। आप? मैं भी चाय पीऊंगी, आप क्या पिएंगी? और इनकी पसंद मैं आपको बतलाता हूँ, इनके लिए एक डबल टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। ओह ग्रेट, आपको मेरी पसंद कैसे मालूम हुई? अक्सर बच्चे ऐसी चीजें बहुत पसंद किया करते हैं। ओह नॉटी,
आप तो अभी से ही मुझे छेड़ने लगे। अब तुम्हें नहीं तो और किसे छेड़े? और किसे? तुम्हें समझो मेरी मुन्नी इन्हें पसंद आ गई। हाँ तो आप समझे कि इनकी मुन्नी। मम्मी डोंट वरी बेबी टेक इट इजी। मुन्नी जी शुरू कीजिए ना। थैंक यू। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो। तारा रुरुन तारा, तारा रुरुन तारा, तारा रुरुन तारा, रा रा रुया। पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु? शहनाई बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु? लेकिन जीवन के आंचल पे पड़े हुए दाग को कैसे धो सकोगी माधवी? एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा कब तक मिलती रहेगी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन जो शांति तुमने मुझे दी है उसे मत छीनो माँ। मन की शांति तो सच्चे प्रेम में है, और प्रेम कोई भूल नहीं। आप? घर फोन किया तो पता चला आप यहाँ चली आई। चलो देवी और पुजारन दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। अरे हाँ, कल रात तुम बगैर बताए चली आई, लेकिन मैं फंस गया उस मुन्नी और उनकी मम्मी के चक्कर में। इसलिए तो चली आई ताकि आप लोग इत्मीनान से बात कर सके। अरे इत्मीनान कैसा? उन्होंने जबरदस्ती खाना खिलाकर भेजा, रात बहुत हो गई थी, घर जाकर सो गया। आप तो सो भी गए। मतलब? नहीं, मेरा मतलब है मुन्नी जी को तो नींद भी नहीं आई होगी। हाँ, वो माँ बेटी खाना खाते खाते घूम रही थी। अच्छा, लेकिन फैसला क्या हुआ? फैसला तो आप पर छोड़ा हुआ। फिर तो बधाई हो, आपकी और मुन्नी जी की जोड़ी एकदम
फर्स्ट क्लास रहेगी। एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरी तनख्वाह कम है और उस मोटी की आइसक्रीम का खर्च ज्यादा है। तुम्हारे चेहरे पर हंसी कितनी खिलती है। पूनम जी, कल से एक बात कई बार सोच चुका हूँ। क्या? कहीं तुम्हारी सूरत की दो लड़कियां तो नहीं? उस दिन राकेश कह रहा था, कल वो बेहूदा डांसर भी बोल रही थी। और अजीब बात ये है कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसका नाम भी मधुरी था। अगर आपको मधु फिर मिल जाए तो क्या आप उसे माफ कर सकेंगे? पूनम, आज मुझे उसे कोई शिकायत नहीं। उसके दिए हुए दर्द पर किसी हमदर्द का साया पड़ चुका है। किसका? तुम्हारा। चलो पूनम, मंजिल भी एक है डगर भी एक है, लेकिन कश्तियां दो, क्या ये मुमकिन नहीं? हम दोनों एक साथ चलें। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्म में ये कसम में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे,
जिस जगह याद तेरी सताने लगे उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। आज कितने अरसे के बाद घर से निकला हूं, ये झील वो मंदिर ये क्लब सब कुछ दुनिया के लिए वैसे ही है, लेकिन शेखर के बाद हमारे लिए कुछ नहीं रहा। बाबूजी, ये किश्तियां देख रही हो ना, किस तरह लहरों के साथ अब खेलियां कर रही हैं। तुम पहली बार निकल रहे हो? दीना ना तुम? ओ डॉक्टर, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? बहू ने जिद की, सोचा हाथ से घूमना शुरू कर। बहुत अच्छा किया बेटे तुमने, भाई मैं तो लेक्चर दे दे के थक गया था, न कहीं आना न कहीं जाना न किसी से मिलना, बीमारी को तो खुद गले लगा रखा है इसने। बेटे आज से तुम रोज का ही नियम बना लो। जी। फिर लेक्चर देने लगे? बैठो। मैं बैठूं? अरे मैं क्या बैठूं, पहले तुम उठो, चलो सामने क्लब है, आओ जरा शगल रहेगा, दो चार बाजियां होंगी, पुराने यार दोस्त देखकर खुश हो जाएंगे तुम्हें। नहीं काशीनाथ, अब मैं वहाँ चले जाइए ना बाबू जी, वहाँ जाकर आपका दिल बहल जाए। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अच्छा चलो, लेकिन तुम वहाँ बैठे बैठे उब जाओगी, मुन्ना घर में अकेला है, तुम घर चले जाओ, मैं काशीनाथ के साथ आ जाऊंगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते दीनानाथ, वाकई तुम्हारी बहू देवी है, जब से आई है घर की काया ही पलट दी, देखो ना बेटे का गम भी भुला दिया। काशीनाथ जब मैं इसके बारे में सोचता हूं मेरा कलेजा फटने लगता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। एक बात कहूं? कहो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो बहू की दूसरी शादी कर देती। डॉक्टर, तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बात कैसी नहीं, तुमने ऐसी बात कही क्यों? भाई मैं तो अपना ख्याल जाहिर किया है, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो माफ कर दो, आओ चलो आओ ना। ड्राइवर गाड़ी वापस ले जाओ। अरे खिलौने, रमैया ये खिलौने कौन लाया है? मैं लाया तुम्हारे बेटे के लिए। तुम? शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो सही। तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई आने के लिए? तुम्हारी जुदाई का गम लिए भटक रहा था, मालूम हुआ कि तुम यहाँ, बस चला आया। चले जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी? लेकिन मुझे लगेगी देर, जरा हाले दिल सुनाने में। वो मेरे लिए चाय बना रही है, घर में और कोई नहीं है। सच कहता हूँ मधु, बहुत पछतावा है, उस दिन मैं तुम्हारे प्यार को तोड़ न सका, मुझे माफ कर दो मधु। वो मधु मर चुकी है, समझ लो कि वो कैलाश भी मर चुका है। देखो मधु, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है, क्यों ना हम तुम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते। बवाल बंद करो, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है, निकल जाओ यहाँ से। ओम शांति शांति। आप खैरियत हुई? तुम्हारा गुस्सा पाँव में आके गिरा, अगर सर पे गिरता ना जाने क्या हो जाता। आपकी तारीफ? मुझे कैलाश कहते हैं, दूर के रिश्ते में इनकी आंटी मेरी बीवी की मौसी लगती है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर। कमल कहते हैं। अब आप ही बताइए ना मिस्टर कमल, चलते वक्त इनकी आंटी ने चांदे खिलौने इनके बच्चे के लिए भेजे थे, इसमें मेरा क्या कसूर है? I'm just a messenger. हाँ पूनम, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? वैसे अपनी जगह पे ये भी सच्ची है, जब पूनम जी विधवा हुई तो इनकी आंटी ने इनकी बात तक न पूछी, और जब मालूम हुआ कितने बड़े घराने की बहुरानी है तो माफी मांग रही। रिश्तेदारी में ये सब तो चलता रहता है। पूनम, इनका दिल रखने के लिए रख लो खिलौने। रमैया, तू खड़ी खड़ी वहां क्या कर रही है? चाय लाओ। मैं आपका बहुत एहसान मंद हूँ मिस्टर कमल, अगर आप ना होते तो ये टूटता हुआ रिश्ता न जाने कैसे जुड़ता है। जाओ बैठिए ना, चाय पीजिए। माफ कीजिए मिस्टर कमल,
जिसे डोली में बिठाकर मोहल्ले से विदा किया हो, उसके घर की चाय तो क्या पानी पीना भी उसके खिलाफ है। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। और हाँ, मैं होटल पलिटाना में ठहरा हूँ, फोन करके बता देना कि बच्चे को खिलौने पसंद आए या नहीं। नमस्ते। काफी दिलचस्प और ओवर स्मार्ट है आपके रिश्तेदार महाशय। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं चाय बनाती हूँ। कहाँ गए सब लोग? माँ जी मुन्ने को लेकर मंदिर गई हैं और बाबूजी डॉक्टर साहब के साथ गए। दरअसल मैं उन्हीं से मिलने आया था, वो जंगल की ठेके की बात पक्की हो गई, एग्रीमेंट साइन करना था। मैंने तुम्हें हजार बार कहा है शब्बो, ये ताश के घर मत बनाया करो, ये मलूस खेल बदनसीबी लाता है। इसका मतलब है आज खुश नसीबी ने साथ दिया है। आज तो सिर्फ दाना ही फेंका है मेरी जान। मुबारक हो, खाया चिड़िया ने? खाएगी नहीं तो जाएगी कहाँ, सोने की लंका है वो मेरी जान। माधवी के मामा और पूनम के ससुर की दौलत में जमीन आसमान का फर्क है। और माधवी में और मुझ में? मेरी जान, वो फूल है तुम फल, फूल की खुशबू से दिल भरता है और फल खाने से भूख मिटती है। फूल की खुशबू लेकर फेंक देते हैं और फल खाने से सेहत बनती है। ना मेरी जान, इसी बात पर तुम्हारे हाथों एक जाम हो जाए। अभी हाजिर करो माँ। हाय हाय, तुम भी क्या चीज हो शबो, सबको भूल सकता हूँ तुम्हें नहीं। आगे क्या सोचा है उनके बारे में? कैलाश खुद नहीं सोचता शबो, दूसरों को मजबूर करता है सोचने के लिए। माधवी ने क्या सोचा है ये कल शाम को 6 बजे मालूम होगा। आओ मधु आओ। I'm sorry पूनम, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। किस लिए बुलाया मुझे? अभी तक तेवर बदले हुए हैं जनाब के, लेकिन सच कहता हूँ इस सफेद लिबास में क्या निखरा है तुम्हारा शिबाब। हाय चुप रहो। लो चुप हो गया, समझ लो कि मैंने अपने होंठ सी लिए और तुम चाहो तो जिंदगी भर चुप रह सकता हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? सुना है तुम्हारे ससुर 8-10 लाख की आसामी। मतलब? दरअसल मैं बीते हुए कल की नहीं आने वाले कल की फिक्र में हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है, जो दांव तुमने मारा है उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है। तुम इतने नीच हो सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे इस नापाक इरादे को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जवाब नहीं तुम्हारा, पाक मोहब्बत में तो साथ दिया नहीं, अब नापाक इरादे से भी मैं मुड़ना चाहती हूँ। कैलाश! चलाओ नहीं, सुना है दीवारों के ही नहीं पेड़ों के भी कान होते हैं। अगर किसी को मालूम हो गया कि तुम दीवान साहब की असली बहू नहीं हो तो छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। बहू कहीं गई थी क्या? यही कंपाउंड के पीछे झील के किनारे चली गई थी। पर बात क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वहाँ शायद झाड़ियों के पीछे कोई जंगली जानवर था। हाँ हाँ जरूर होगा, वहाँ अक्सर भेड़िया आया करता है। हाँ वो भेड़िया ही था। बहू आइंदा अकेले उधर कभी नहीं जाना। बहू ये 5,000 रुपए जंगल के ठेके से आए, इसे संभाल कर रख दो। क्यों माँ जी, आप ही रख लीजिए ना। अरे मैं तो 1-2 दिन में हरिद्वार जाने वाली हूँ, और फिर अब से ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी तो है। लो। बीबी जी क्या है? कुछ नहीं बीबी जी, मैं तो ये पूछूं कि भेड़िया छोटा था कि बड़ा, तुमसे क्या मतलब? जाके अपने काम करो। जाती हूँ जाती हूँ, गरम क्यों होती हो?
ये क्या अकेले शुरू हो गए? नौबत यहाँ तक पहुँच गई? भाई तुम आते ना तो क्या करा? अरे शालू तू कब आई? नमस्ते चाचा जी। दीदी रहो। बहू ये शालू है, कमल की बहन। भैया ने आपकी बहुत तारीफ की है, लेकिन जो भी तारीफ की है आप उससे भी ज्यादा सुंदर है। चल आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती। चाय से काम नहीं चलेगा, हम तो खाने का प्रोग्राम बना कर आए, साफ बात है। जरूर। तुम्हारी चाची आज सुबह की गाड़ी से हरिद्वार चली गई, तुम लोग कल आते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। बेकार तकलीफ की चाची जी ने, घर में देवी जैसी बहू है तो फिर तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत थी? हाँ इसलिए मैं नहीं गया। चलो कितने दिन का प्रोग्राम है? होली तक का, मेरे साथ और भी लड़कियां हैं। ये समझ लीजिए कि 3-4 दिन तक काफी बोर करेंगे। क्या बोर करेंगे? और नहीं क्या, देखो ना कल सुबह सुबह पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाने, कोई बात है? भाभी आपको भी चलना पड़ेगा हमारे साथ। मैं तो कहीं नहीं जाती और फिर पिकनिक विकनिक का मुझे शौक भी नहीं है। शौक नहीं तो क्या हुआ, हमारा साथ तो दे सकती हैं आप। क्यों नहीं, और फिर रो रो तो नहीं आती, और तुम भी घर की चार दीवारी में बंद रहती हो, चली जाओ तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। चाचा जी का कहना ठीक है, अब आपकी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। फूल जोड़े में लगाते लगाते थैंक यू दिया। मैं तो यू ही देख रही थी। फूल दो ही जगह शोभा देता है, एक भगवान के चरणों में, दूसरा स्त्री के जूड़े में। हर स्त्री के जूड़े में नहीं। एक बात पूछूं पूनम? पूछिए। थोड़ी देर पहले तुम हंस खेल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारा बीता हुआ जीवन इस झरने की तरह है, उमंग भरा। लेकिन आज आज इस झील की तरह है जो ऊपर से शांत है, लेकिन इसकी गहराइयों में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। पूनम, दुनिया में झील की गहराइयां ही सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है, जैसे जैसे ये फूल जो मुस्कुराहट देते हैं और मुरझा भी जाते हैं, जैसे ये शाम जो मस्ती लुटाती है और रात के अंधेरे में खो जाती है। पूनम, अगर तुम चाहो तो इस रात के अंधेरे से निकलकर आकाश के उजाले को छू सकती हो। इसके लिए मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत होती है। पवित्र प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है पूनम। भाभी, झरना नीचे है, पिकनिक पार्टी पीछे, आप ऊपर क्या देख रहे हैं भाई साहब? पतंग देख रहा था। पतंग? हाँ अनरोमांटिक, चारों तरफ बाहर है, फूलों पर निखार है और कॉफी तैयार है, हम आपको बुलाने आए हैं। चलिए। अरे आप क्यों बनाने लगी कॉफी? हम तो आपको पिकनिक पर एंजॉय करने के लिए लाए थे, मगर शायद आप हमसे बोर हो रही हैं। बोर तो तुम्हारे भैया हो गए, अब इनका कुछ इलाज करो। क्यों क्या हुआ? हमारी इंसाज हम क्या इतनी बुरी है कि हमारी कंपनी छोड़कर कोई एक पतंग की और चकचकी लगाकर देखे? आप किसी की साइड नहीं लेंगी, आप ही फैसला कीजिए ना। हो सकता है किसी को पतंग बहुत अच्छी लगती हो हमारे मुकाबले में। अजी साहब मालूम तो हो कि पतंग में ऐसी क्या खूबी है जो किसी को अपनी ओर खींच सकती है। किसी को अपनी तरफ खींचना तो कोई खूबी नहीं, खूबी है किसी की ओर खींचने में। जो खूबी पतंग में है, इंद्रधनुष के रंग है, कल्पना की उड़ान है, हवाओं में झूमती, बादलों को चूमती, बिजली सी चपल एक सुंदर नर्तकी है ये पतंग। मान गए भैया, आज पता चला कि पतंग एक कविता है। आपकी क्या राय है भाभी? होती तो नहीं है, मगर इन्होंने कविता बना दी है उसे। कविता बनाई नहीं जाती, बन जाती है अपने आप, जब किसी की सुंदरता आंखों से आकर मन में समा जाती है। सुंदरता ऐसी होती है जो अपनी नाजुक डोर से किसी को भी अपनी ओर खींचती है, सब कुछ भुला देती है, मदहोश कर देती है, एक खूबसूरत शाम की तरह, एक खूबसूरत झरने की तरह। मदहोश किए जा मुझे डोर, कोई खींचे तेरी ओर लिए
शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर दिए जा इतनी सी बात थी लो भाई आगे लो आओ देखो तो कैलाश बाबू कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नमस्ते दीवान साहब ने बताया कि तुम पिकनिक पर गई हो कितनी खुशकिस्मत हो पूनम कि तुम्हें इतने अच्छे ससुर मिले वरना आजकल के जमाने में कौन अपनी विधवा बहू को इस तरह घूमने फिरने की इजाजत देता है कैलाश बाबू मैं तो यही चाहता हूँ बहू खुश रहे किसी तरह इसका दिल बहले वरना ये तो आस पास में भी नहीं जाती मैं कायल हो गया हूँ दीवान साहब क्या ऊंचे ख्याल पाए हैं आपने आने की तकलीफ कैसे की देखा दीवान साहब मैंने कहता था अभी तक नाराज होगी खैर मैं तो अपना फर्ज पूरा करने आया हूँ और वो भी माधवी के नाम पर माधवी माधवी मेरी धर्म पत्नी तुम्हारी बचपन की सहेली मधु उसका खत आया है लिखा है आंटी की तबीयत बहुत खराब है बहुत जिद की है कि तुम्हें वापसी में साथ लेकर आऊं मुझे कहीं नहीं जाना फिलहाल तो ये नहीं जा सकती इसकी सास जी भी नहीं है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ओह मैं तो भूल ही गया था अगर कोई बात नहीं फिर कभी देखा जाएगा हाँ एक मामूली सी सोने की जंजीर भेजी है मुन्ने के लिए
माधवी ने, मेरी धर्म पत्नी ने। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी। मैं बच्चे को सोने की चीजें नहीं पहनाना चाहती बाबूजी। तुम खुद सोचो पूनम, बेचारी का दिल टूट जाएगा। बेचारी ने बहुत प्यार से हनुमान जी के पांव छू कर भेजी है। ऐसी बात है बाबू, तो ले लो। आप कहते हैं तो ठीक है बाबू जी, चलो खुद ही पहना दो उसे। कितना प्यारा है तुम्हारा बेटा। मत छू उसे। ठीक है, अपने हाथों से तुम ये चेन से पहना। कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मुझे यहाँ आना बेहद पसंद है। जब मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं तो ये आना जाना किस लिए? पुराना संबंध बढ़ाने के लिए। मैं तुम्हारे इरादे खूब जानती हूँ। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। तुम भी तो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रही हो। कैलाश, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? ये बात हुई ना, लेकिन मेरी दया की कीमत होती है माधवी। I'm sorry, पूनम। कीमत चुका दो तो मैं हमेशा के लिए दफा हो जाऊंगा और फिर अपनी मनहूस सूरत तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। सोच लो फिर आ जाऊंगा। फिर यहां आने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, किसी की अमानत। लेकिन शुक्रिया। यकीन मानो अगर मुसीबत ना होता तो कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देता। सोचता हूं तुम कितनी ग्रेट हो और मैं कितना सलीम। अब तुम जा सकते हो, अपना वादा ना भूलना। फिक्र मत करो, अब मैं अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। अच्छा बाय बाय। और हाँ याद रखना, ये चेन किसी को जांच पड़ताल के लिए नहीं देना। देखने में सोने की लेकिन है असली पीतल की, बिल्कुल तुम्हारी तरह असली माधवी और नकली पूनम। बाती तो है बाबूजी, तुम इतने प्यार से लाए और उन्हें फेंक दी। कोई बात नहीं, हम प्यार से लाए, तुम प्यार से रख लो। हाय, सोने की चीन मुझे दे दी बाबूजी। इसलिए कि अब तुम हमें अच्छी लगने लगी हो, मगर किसी को दिखाने नहीं वरना कोई जलने लगेगा। किसी को नहीं दिखाऊंगी बाबूजी, छुपाकर बक्से में रख दूंगी। फिर कब मिलोगी रमैया? क्यों, बीबी जी को कोई चिट्ठी देनी है? अरे छोड़ो उन्हें। दीदी, ओ दीदी कहाँ हो तुम? देख तू फोन फोन जा रहा है। तू दरवाजे पे किसे बातें कर रही थी? मैं किसे बातें कर रही थी रे? मैं तो दरवाजा बंद कर रही। चुप, झूठे कहेंगे। चल चल, मुन्ने के लिए दूध दे और सबके लिए खाने लगा। काम छोड़। भैया शालू, तुम्हारे लिए कॉफी लाई। कब तक जाने का इरादा? जब तक काम पूरा ना हो जाए। देखो ना, सारा दिन तो पिकनिक में तुम लोगों के साथ फंसा रहा, अब ये कागजात इतने जरूरी हैं, अगर सुबह तक नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। भैया अगर मेरी भाभी होती तो ये कागज हटा कर तुम्हें हुक्म देती कि चलो चलकर सो जाओ, सवेरे जल्दी उठना है, और तुम झट से जाकर रजाई में दुबक जाती। अच्छा। और अगर हमारी माँ होती तो तुम्हें समझाती कि बेटा अगर एक अनजान लड़की ने तुम्हें धोखा दिया और शादी के वक्त पर भाग गई तो तुम क्यों सन्यासी बनवासी बने जा रहे हो? अरे पगली, मैं कहां सन्यासी बनवासी बने जा रहा हूँ। ये तो शुक्र करो कि लड़की शादी से पहले भाग गई, अगर शादी के बाद भाग जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहता। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी सहेलियां कैसे लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आशा, कुमुद, रेखा, जिसका भी नाम लो उसी से चट मंगनी पट ब्याह। चालू,
जो तुम्हारे भैया की जीवन संगनी बन सके वो इनमें से कोई नहीं। तो फिर वो कौन है? जो भी हो मैं उसे मना लूंगी। पिताजी का अरमान पूरा हो जाएगा, मुझे मेरी भाभी मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। कौन है वो बताओ ना भैया, तुम्हें मेरी कसम। उसका नाम है पूनम। पूनम? शेखर भैया की विधवा, एक बच्चे की माँ? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या दुनिया भर की कुंवारी लड़कियां मर चुकी हैं जो तुमने ऐसा सोचा? या फिर विधवा वेश की आड़ में पूनम ही तुम पर डोरे डालती रही है? शालू, शालू ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरी बहन कीचड़ और गंगा जल में फर्क नहीं समझ सकती। तुम जा सकती हो। शेखर की लाख रुपए की पॉलिसी तुम लोगों के पुराने पते से लौट कर आई है। ये जहां जहां निशान लगे हैं वहां दस्तखत कर दो। मैं दस्तखत कर दूं? हाँ, तुम्हारे नाम तो है। तो क्या हुआ, आप उनके पिताजी हैं, आप ही दस्तखत कर दीजिए। बेटी, सरकारी मामला तो ये सब नहीं चलता। लेकिन वो बात ये है बाबू जी, मैं जानता हूँ बेटी तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन दस्तखत तुम्हें ही करने होंगे। लो, दस्तखत करके ड्राइवर के हाथों कमल के पास भेज दो, उसकी वहां जान पहचान है, काम जल्दी हो जाएगा। लो।
करोगी मधु? पूनम की दस्तखत, जालसाजी, जानती हो उसका नतीजा क्या होगा? ये डरो मत मधु, मुझे कोई नहीं पहचानता। अब तुम ही पूनम हो, तुम ही इस घर की बहू, और ये तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी है जो तुम्हें निभानी पड़ेगी। याद रखो मधु, तुमने मुझे वचन दिया था, तुमने मुझे वचन दिया था, तुमने मुझे वचन दिया था। ये बात हुई ना मधु, सॉरी पूनम, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो दाव आज तुमने मारा है उसमें भी आधा हिस्सा मेरा है। तोड़ दे मजबूरियों के बंधन, तेरी मंजिल तेरे देवता के चरणों में ही है। मैं सब कुछ सच सच बता दे मधु, और कर ले अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला। शीतू कहाँ जा रहा है? जी बापूजी, ये कागज कागज दिए हैं बीपी जी ने, जाके रेवर को देख के आता हूँ। हाँ हाँ, इंश्योरेंस के होंगे। क्या देखो तुम, बहू ने टीजे का दफा किया है नहीं? मेरे सपनों के देवता, आज मैं आपके सामने अपनी मजबूरियों के बंधन तोड़ने का साहस कर रही हूँ। आज मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। आप मुझे पूनम समझते हैं, लेकिन मैं पूनम नहीं, माधवी हूँ। वही माधवी जिसने आपके जीवन में जहर घोल दिया था। मेरी सबसे बड़ी भूल थी जब मैं ब्याह मंडप से भाग गई थी। खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं लगी। क्या बात है, आपने सवेरे भी कुछ नहीं खाया? इच्छा नहीं थी। कुछ और बना दूं? नहीं, मैंने फैसला किया जब तक मैं जिंदा हूँ अपने लिए किसी और को तकलीफ न दूं। जाओ तुम आराम करो। ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी सेवा करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, खुशी होती है। आइए कुछ खा लीजिए, आइए ना, आइए बैठिए। बूढ़ा आदमी उस पुराने दीवार की तरह है जिससे सबको बचकर चलना चाहिए। हमें तो इसी दीवार का सहारा है बाबूजी। आपको मेरी कसम, जिद न कीजिए, खाइए ना बाबूजी। अरे वाह चाचा जी, भाभी तो आपको बच्चों की तरह खाना खिला रही है। मुझे भूख तो नहीं थी मगर जबरदस्ती खिला रही है। चाचा जी, आपके इंश्योरेंस के कागजात आ गए, उन्होंने एक नया फॉर्म दिया, इस पर आपको साइन करना होगा। जी हाँ, इनकी सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है कहीं पैसा गलत आदमी को ना मिल जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अक्सर रुपया गलत आदमी ही ले जाते हैं। मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, हम चाय में नहीं पियेंगे, हम तो आपको लेने आए हैं। मुझे? हाँ, आज गांव वालों की बस्ती में होली का त्योहार है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा। शालू की सहेलियां आ रही है, उनकी जिद है तुम्हें भी आना होगा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं भाभी? शालू, मैं तुम्हें ठीक कहा था ना, ये इनकार कर देंगे? नहीं, ये बात नहीं है, बाबूजी घर में अकेले हैं। और फिर ओ चाचा जी, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग कल चले जाएंगे, भेज दीजिए ना भाभी को। मैंने कब रोका है, ये घर की बहू है, अपनी मर्जी के मालिक, जहाँ जाना चाहे जाए। ओ थैंक यू चाचा जी, आइए भाभी जल्दी से तैयार हो जाए।
जाएंगे। आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। करेगा जमाना, ओ तुम हो कितनी भोली, खेलेंगे हम होली। आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। एक चिंगारी भर के ये पिचकारी, ओ आई मस्तों की टोली, खेलेंगे हम होली। आज न छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। क्या किया आपने? इसे मिटा दो की। ये तो भगवान के संकेत है पूनम। अनजाने में जो गुलाल तुम्हारी मांग में भर गया है, वो हमेशा हमेशा के लिए सिंदूर बनकर चमकता रहेगा। आप अभी तक सोए नहीं?
जब घर की जवान बहू बाहर रंगरलियां मनाती फिरे तो बूढ़े ससुर को नींद कैसे आ सकती है। बाबूजी, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी को रंगीनियों से भरने पर तुली हुई हो। ये आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती रंग डाला, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। न जाती तो विधवा की मांग में भरा हुआ गुलाल सिंदूर बनकर कैसे चमकता। बाबूजी, आज आप अपनी बहू की कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं? मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ। मेरी असलियत तो मेरा नसीब है, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। और अब उसी नसीब को बनाने के लिए कमल का सहारा लेना चाहती हो? ये क्या? हाँ, तुम्हारा राज, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा फरेब। माधवी, मैं तुम्हें देवी समझता था, बहू मानकर तुम्हें प्यार से अपनाया था, अपने बुढ़ापे का सहारा माना, बच्चे की जिंदगी तुम्हारे हवाले करती, इस घर की मान मर्यादा दौलत इज्जत सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? बोलो क्यों किया? तुम्हें दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, जागीर चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए? होली मुबारक। तुम यहाँ? रहने तो मत, अब यहाँ रोशनी न हो सकेगी। मैंने आते ही बिजली के सारे तार खींच दिए थे। बदमाश! बाहर के उजालों में तुम्हारा दीदार न हो सका तो चुपके से अंधेरों में आ चुका। शैतान, चोरों की तरह किसी के कमरे में आना कहाँ की शराफत है? एक चोर दूसरे चोर से शराफत का तकाजा था। बहुत खूब माधवी, तुम्हारे ससुर ने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैंने सोचा मैं उसके पास जाऊं जो कि मेरा अपना हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे राज को आड़ बनाकर इस घर को लूटना चाहते हो। नहीं माधवी, नहीं। आज तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आज होली का दिन है, पिछड़े हुए मिल जाए। अब मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। नीच कमीने! दिल चाहिए। मधु कमीने, ने हमेशा के लिए मेरा जीवन शोलों के हवाले कर दिया, मेरे अरमानों को तिनके की तरह आंधियों में उड़ा दिया। लेकिन आज आज मेरे जीवन पर पड़े हुए सारे पर्दे हट चुके हैं, सबको मालूम हो चुका है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मधु, मैं तो बिगड़ी हुई बात को बुलाना चाहता था, जो हो उसे भूल जाओ। भूल जाओ, जलील कमीने, तू अपने गंदे इरादों से एक स्त्री की पवित्रता को रौंदना चाहता है, लेकिन अभी अभी मेरा फैसला बाकी है। मधु, आज से मैं तुम्हारी मक्कार आंखों को दाग दूंगी। मधु प्लीज, इन आंखों ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों को तबाह किया है, आज मैं इन आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दूं। मधु, हमेशा के लिए। मधु, मधु, क्या भाग रही हो? कैलाश आ रहा था। कैलाश? उस कमीने की इतनी हिम्मत? मैं भी पुलिस को फोन करता। नहीं बाबूजी, घर की बात घर में ही रह दीजिए। बीवी जी, बीवी जी, मुन्ना चौक के जाग पड़ा, चुप्पी नहीं हो गई। पप्पू, मेरे लाल। नहीं नहीं, चलो सो जाओ, नहीं रोते, नहीं रोते, सो जाओ। नहीं नहीं रोते पप्पू, नहीं रो, नहीं रो पप्पू।
से जाने की कोशिश करोगी। लेकिन मैं यहाँ से कुछ ले नहीं जा रही हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। जिसकी याद को साथ लेकर जा रही हो वो जब तुम्हारे बारे में पूछेगा तो क्या कहूंगा? जब मुन्ना तुम्हें पुकारेगा, शेखर की माँ जानना चाहेगी, जब लोग पूछेंगे बहू कहाँ चली गई, क्यों चली गई, तो क्या जवाब दूंगा? कह दीजिएगा जो असली थी वो मर चुकी है, जो नकली थी वो भेद खुलने पर भाग गई। लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे बदनामी से बचने के लिए बहू पे इल्जाम लगाया, झूठी कहानी सुना दी। फिर मैं क्या करूं, मुझसे अब सहा नहीं जाता, मैं मर जाना चाहती हूँ। मर तो तुम उसी दिन गई थी जब पूनम बनकर इस घर में आई। लेकिन वो नाटक खत्म हो चुका है बाबूजी। नाटक खत्म हो चुका लेकिन जिंदगी अभी बाकी है। अब जिंदगी में जिंदा रहने के लिए बाकी क्या रहा है? सब कुछ वही है, वही मुन्ना है जिसे माँ की ममता की जरूरत है, वही सास है जो तुम्हें बहू मान कर तीर्थ यात्रा कर रही है, और वही ससुर है जो आज अपने खानदान की मान मर्यादा को बचाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बाबूजी, आज माधवी को नया जन्म देने की कोशिश मत करो। पूनम बनकर आई थी, पूनम ही बनकर। बाबूजी, आपने मुझे माफ कर दिया। उठो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि तुम होली के दिन अपना नक्शी बदल कर आओगे, मगर आ गए गुलाल लगवाने की जगह मुंह जलवा कर। वो मेरे जख्म तो सूख जाएंगे लेकिन मेरे दिल का घाव तभी भरेगा जब मैं उसके अरमानों को राह कर दूंगा। हारा हुआ जुआरी और ठुकराया हुआ आशिक हमेशा यही सोचता है। सबो, उस दिन ना मैं तुम्हें माधवी की खबर देती और ना ही तुम परेशान होते। नहीं सबो, तुमने तो मुझ पर एहसान किया है, तुम मेरे इरादों को नहीं समझती। छप्पो, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब उसके अरमानों की राह को तुम्हारे मांग का संदूर बनाऊंगा। आएगा वो दिन? जरूर आएगा छप्पो, इलाज शरीफ बाजी को जीतना जानता है। कहीं तुम्हारी ये हार ही मेरी जिंदगी का बोझ न बन जाए, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ कैलाश। नहीं, ये सच है। इस एक सच से हमारे तमाम इरादे झूठे पड़ जाएंगे, हमारे सारे सपने खाके मिल जाएंगे। कैलाश, शबो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन इस वक्त डार्लिंग हमारी जिंदगी में बच्चे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फिक्र बरकरार रहनी चाहिए, तुम्हारी जवानी खूबसूरती उस वक्त तक जब तक कि मैं उस औरत को अपनी मुट्ठी में न कर लूं। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? शबो, तुम्हें बच्चे चाहिए ना, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त नहीं जाने, इस वक्त नहीं, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। गुड न्यूज मिसेस शबनम, आपको जानकर खुशी होगी कि आप जानती मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं बनना नहीं चाहती। ऐसा क्यों? शायद आप नहीं जानते, मेरा प्रोफेशन डांस करना है। अगर आपको अपने पेशे से इतना ही प्यार था तो आपने किसी जगह बसाया क्यों? जिंदगी की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। क्या कहा आपने? मुंह मांगी कीमत देंगी? शायद आप गलत जगह आ गई है, मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। अब आप जा सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना कि आप जा सकती हैं। क्या हुआ शब्द? उसने इनकार कर दिया। ओ, लेकिन तुमने? मैंने सब गलने दी, लेकिन पैसों के लिए उसने अपना उसूल तोड़ना नहीं चाहा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं,
सब बंदोबस्त हो जाएगा। तुम चलो, मैं कुछ और जगह चला के आता हूँ। नमस्ते चाचा जी। आ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे याद किया चाचा जी? तबीयत तो ठीक है ना? बुढ़ापा खुद एक बीमारी है बेटा, कल का क्या भरोसा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीते जी अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर दो। कैसी जिम्मेदारी? बहू की। कभी कभी सोचता हूँ मेरे बाद उसका क्या होगा। ऐसी बातें मत कीजिए चाचा जी, अभी तो आप अच्छे हैं और फिर हम लोग भी तो आपके पराए नहीं। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था बेटा, क्या ऐसा दिन हो सकता है कोई भला या शरीफ लड़का मेरी बहू का हाथ थाम सके? तो क्या आप उनकी दोबारा शादी करना चाहते हैं? हाँ कमल, जब मैं बहू के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। भगवान ने कितना बड़ा अन्याय किया है उसके साथ में। इस उम्र में सुहागने का सिंदूर मिटा दिया। एक बात कहूँ चाचा जी? कहो बेटा। अगर अनजाने में किसी लड़के ने किसी विधवा की मां में सिंदूर भर दिया हो और उस लड़की ने उसे स्वीकार कर लिया हो, तो क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? क्यों नहीं, अगर दोनों राजी हो तो जरूर हो सकती है। तो वो लड़का मैं हूं और लड़की पूनम है। कमल, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ चाचा जी, अगर आप पूनम का हाथ मुझे सौंपने के लिए तैयार हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं। बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। तुम आज ही विष्णु को तार दे दो, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जाओ बेटा, जल्दी जाओ, जाओ। देख रही थी उस कटी हुई पतंग को, कहाँ जाकर गिरेगी, क्या होगा उसका? होगा क्या, कोई दिले आगे बढ़ेगा, संभाल लेगा उसे। क्या जाने, कहीं हवा के झोंके और पेड़ों की डालियां उसके टुकड़े टुकड़े न कर डाले। ऐसा कभी नहीं हो सकता पूनम। वो देखो, मालिक लड़के ने उसे सबसे बचाकर हासिल कर लिया। अब वो अपनी नई डोर में बांधेगा, उसे खुले आकाश में उड़ाएगा। अब वो उसकी है, उसे कभी कटने नहीं देगा। फिर भी वो कहलाएगी तो कटी पतंग। तो क्या हुआ, कोई दोष नहीं उसमें, कोई कमी नहीं। फिर आकाश में उड़ेगी नई डोर के साथ, नए बंधन के साथ। बांधेगा कौन? मैं। उसी तरह मैं भी अपनी पतंग को नई डोर से बांधूंगा। आपकी पतंग? मैं तुम्हें अपना बनाकर एक नया जीवन देना चाहता हूँ कमल। पूनम, चाचा जी से मैंने अपने दिल की बात कह दी है। उन्होंने पिताजी को तार देने के लिए कहा है। उनके आते सब कुछ तय हो जाएगा। चाचा जी हमारे ब्याह का फैसला कर चुके हैं। सच? सच। नहीं दीनानाथ, मालूम होता तुम सके आ गए। अरे एक तो विधवा, दूसरा बच्चे की मां, मेरे बेटे गले बांधकर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बिना तोले परखे एक लक्ष्मी ऐसी बेटी को ठुकरा गए। ये लक्ष्मी तुम्ही को मुबारक हो, दिन रात पूजा किया करो उसकी, मुझे क्यों? आ बेटी आओ। ये हैं कमल के पिताजी विष्णु प्रसाद, मेरे जिगरी दोस्त, भाइयों से विदा। बेटी, बेटी ये चाय नहीं पीते हैं, मिठाई खाते हैं। मैं भी लाती हूं। क्यों, चकरा गए इतनी सुंदर और सुशील कन्या देखकर? ये बात नहीं दीनानाथ, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बहू को पहचानता हूं, मैंने इसे कहीं देखा है। तुम्हारा ख्याल ठीक है विष्णु, ये मेरी बहू नहीं, तुम्हारी अमानत है मेरे पास। क्या? हाँ, मेरी बहू तो मर गई, ये तुम्हारे दोस्त राजकिशन की भांजी माधवी है। माधवी? लेकिन वो तो शादी के मंडप से भाग गई थी।
उस एक भूल के लिए वो काफी सजा भुगत चुकी है। ये रहा उसका खत जो उसने कमल को लिखा था। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो गंगा जल की तरह पवित्र और चांदनी की तरह उछली है। विष्णु, हमने शायद जिंदगी में कोई पुण्य का काम नहीं किया, आज मौका है दो बिछड़ी हुई आत्माओं को मिला दें और पुण्य कमा दें। दीनानाथ, क्या कमल को सब मालूम है? नहीं, और न मालूम होना चाहिए। ये राज राज ही रहे तो अच्छा है। आओ बेटी, आओ विष्णु, ये रही तुम्हारी पसंद की चीज कलाकंद। लो मुंह मीठा करो। आज तुम्हें मुंह मीठा करना होगा दीनानाथ, तो तुम भी खाओ। झुमका की राधी बरेली के बाजार में, झुमका की राधी। झुमका ही तो लाया तुम मेरी जान। हाय राम, मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी। रमैया, डर तो मुझे लग रहा है। उस दिन तुम्हारी मालकिन ने बेइज्जती करके मेरे घर से बाहर निकाल दिया था, आज अगर उसने फिर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो। अरे बाबू, अब तो ये डर भी दूर हो जाएगा। वो कैसे? बीबी जी की शादी हो रही है कमल बाबू के साथ। क्या? हाँ हाँ, मैंने खुद सुना है, आज ही तो बात तय हुई है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। हाय, कितना अच्छा है, ये मेरे लिए है। पसंद है? जान करे लोगो, फिर देखो क्या क्या लाता हूँ। कितनी अच्छी है। हाय बाबू, क्या कर रहे हो? रमैया, बाबूजी यही चुप जाओ ना, चुप जाओ, चुप। क्या कर रही हूँ? अभी तक दूध तैयार नहीं किया। बीबी जी, दूध ठंडा कर रही थी, शक्कर मिला रही हूँ, ला मुझे दे। बाबूजी, बाबूजी, अब सुन जाओ, मेरा तुझे जल्दी है। किसी को मालूम ना हो कहीं जा रहा था। ये बिब्बी जी का रिश्तेदार यहाँ क्यों क्यों आया था? कहाँ आया था? अरे झूठी, अभी तो किससे बातें कर रहे थे, बोल बोल क्यों आया था? मुझे क्या मालूम, आया था और चला गया, आया था और चला गया। बाबूजी, शेखर की माँ का तार आया है, वो कल सुबह की गाड़ी से आ रही है। अच्छा? हाँ, और मैंने कमल को फोन कर दिया है कि वो स्टेशन से ले आए। दूध पी लीजिए। बाद में पीऊंगा, तुम बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। आज मैंने अपना वसीयतनामा तैयार करके सब कुछ मुन्ने के नाम लिख दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया। और तुम्हें उसका सरपरस्त बना दिया। मुझे? हाँ, इस वसीयतनामे के मुताबिक जब तक वो 20 बरस का नहीं हो जाता, तमाम जमीन जायदाद और इस घर की जिम्मेदारी तुम पर होगी। 20 बरस क्यों? ये जिम्मेदारी तो मैं जीवन भर के लिए मानती हूँ। जानता हूँ, लेकिन ये भी सोचता हूँ एक दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर चली जाओगी, हमारी सरस्वती जैसी बेटी हमसे छिन जाएगी, तो हम पर क्या बीतेगी? बाबूजी, जब नए संबंध बनते हैं तो पुराने बंधन टूट तो नहीं जाते। ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारे सामने नई जिंदगी की नई खुशियां होंगी, कहीं उन खुशियों में तुम अपने मुन्ने को भूल तो नहीं जाओगी? बाबूजी, ये आपने क्या कह दिया, मुन्ना तो मेरा अपना है और हमेशा अपना ही रहेगा। बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आज मुझे सुख की नींद आएगी। लाओ दूध का गिलास लाओ। Thank you.
बाबूजी तिवारी कहते हैं। आप ही मिसेस पूनम है ना? मेरा मतलब मिसेस शेखर। जी। दीवान साहब के जमाने में मैं यहाँ सब इंस्पेक्टर था। पिछले ही दिनों लखनऊ से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। दीवान साहब कहाँ हैं? जी वो सो रहे हैं। कोई बात नहीं, काम जरूरी है, इंतजार कर लूंगा। बैठिए। शुक्रिया। वैसे आपसे क्या पर्दा? बात यह है कि किसी ने इस घराने की इज्जत से खेलने की कोशिश की है। किसने? एक औरत है, उसने दावा किया है कि इस घराने की बहू आप नहीं वो है। नहीं, ये झूठ है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन हम पुलिस वालों को सबकी सुननी पड़ती है। आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? लेकिन कोई बात नहीं, दीवान साहब उठ जाए तो उनसे पूछ कर चलिएगा। बहू क्या हुआ दीनानाथ को? अरे तुमने फोन पे बात पूरी किए बगैर फोन कर दिया। आखिर उनकी तबीयत कैसी है? वो बात ये है डॉक्टर साहब, आप यहाँ यूं ही मिलने के लिए आ गया था डॉक्टर साहब। कहाँ है वो? अपने कमरे में। चलिए। चलो। दीनानाथ, दीनानाथ मिसेस शेखर, आपने तो कहा था कि ये सो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सब लोगों से कह दीजिएगा कि लाश को हाथ न लगाए। नाउ इट इज ए पुलिस केस। मेहरबानी करके सब लोग बाहर आ जाइए। आइए बाहर। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब इस मामले में भी आपके बयान की जरूरत पड़ेगी। कुछ देर के बाद। आई एम सॉरी, आप मेरे साथ आइए। आओ बेटा चलो। हिम्मत सिंह। जी सर। जब तक लाश पोस्टमार्टम के लिए ना जाए तुम कमरे के बाहर तैनात। और सुनो, कोई अंदर जाने ना पाए। आइए। चलो बेटे। बैठिए। चाची जी। घबराओ नहीं बेटे, जाओ जाके बयान लिखवाओ। तब तक मैं यही मौजूद रहूंगा। बैठो। डॉक्टर साहब, ये जीप सब ठीक तो है? क्या बात है डॉक्टर भैया? अब चलिए बताता हूं। रमैया रो क्यों रही है? मम्मा जी, अरे बोलते क्यों नहीं? ये सिपाही क्यों खड़ा है? भैया ये बहू को कहां ले गए? मेरा मुन्ना कहां है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? कल रात अचानक शेखर के बाबूजी का क्या हुआ? क्या हुआ उन्हें? वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। पूनम ये नहीं, मैं हूँ। उसका कहना बिल्कुल सही है इंस्पेक्टर साहब। आइए कमल बाबू, यहाँ तो बड़ा पेचीदा मामला दरपेश है। इनका कहना है कि घर की असली बहू पूनम ये नहीं बल्कि ये खुद है।
हाँ इंस्पेक्टर। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं सौरभ को अच्छी तरह जानता हूँ, एक मामूली सी कैबरे डांसर है। ऐसी औरत एक शरीफ घराने की बहू कभी नहीं बन सकती। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो पहले ही अपने बयान में लिखा चुकी हूँ कि मैं स्टेज पर डांस किया करती थी और दीवान साहब ने इसीलिए अपने बेटे से संबंध तोड़ दिया था। ये बात सच है कि दीवान जी ने शेखर के साथ संबंध तोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी मौत के बाद कोई भी औरत उस घराने की बहू होने का दावा करे। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर कोई चाल है। मैं पूनम हूँ, मैं मुन्ने की माँ हूँ। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। मुझे कैलाश कहते हैं। वो आप, मैंने पहले ही कहा था बुरे कामों का अंजाम बुरा होता है। आखिर कानून की गिरफ्त में आ गई ना माधवी। माधवी? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका असली नाम माधवी है। पूनम? पूनम आपके लिए होगी कमल बाबू, मेरे लिए ये माधवी थी और हमेशा माधवी रहेगी। खैर, कानून के सामने मैं सच्चाई को जाहिर करना अपना फर्ज समझता हूँ। कैसी सच्चाई? सच्चाई ये है इंस्पेक्टर साहब कि ये दीवान साहब की बहू रानी नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी है। झूठे मक्कार जलील! कमल बाबू, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। कमीने, एक शरीफ औरत पर कीचड़ उछालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर कमल, ये पुलिस स्टेशन है। सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन ये इनकी बेइज्जती करी मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो उन्होंने उस वक्त दीवान जी से क्यों नहीं कहा जबकि दीवान जी जिंदा थे और इनका वहां पर आना जाना था। मिस्टर कमल, बहस के लिए अदालत है, मेहरबानी करके आप हमारे काम में रुकावट न डालिए। कहिए मिस्टर, क्या कह रहे थे आप? हाँ तो मैं ये कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि हम दोनों मियाँ बीवी काशी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे, हमारे साथ ये देवी जी और इनका बच्चा भी था। ये सब झूठ है। आप चुप रहिए। कहिए जी। जी, बातों बातों में इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी माधवी को सुना दी, दोनों में दोस्ती हो गई। अचानक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में हम दोनों मियाँ बीवी और इनका बच्चा बच गए। मैंने इनकी बहुत तलाश की लेकिन इनका कुछ पता नहीं चला। उसी रात मुझे अकेला छोड़कर इनके बच्चे को लेकर माधवी वहां से भाग गई। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों का विश्वास मत कीजिए। जो सच है उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। माधवी बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा बच्चा दिला दो। धीरज रखो बहन, तुम्हारा बच्चा इंस्पेक्टर साहब तुम्हें वापस दिला देंगे। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरा शक दुरुस्त निकला। माधवी पूनम बनकर दीवान साहब की दौलत से खेल रही थी। मैंने इससे बहुत कहा लेकिन इसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। दरअसल कमल बाबू, उस दिन हम मियाँ बीवी का झगड़ा इसी बात पर हो रहा था। इसका एक एक शब्द झूठ है। ये मुझसे न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। ये दोनों मिलकर मुझे किसी जाल में फंसा रहे हैं। तो सच क्या है पूनम, सच क्या है? सच तो ये है कि मेरी सहेली इस घर की असली बहू पूनम मर चुकी है। इंस्पेक्टर तिवारी। यस डॉक्टर। व्हाट? ओके डॉक्टर, अब तो ये मामला और भी पेचीदा हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दीवान साहब की मौत हार्ट फेल से नहीं बल्कि दूध में जहर देने से हुई है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी दौलत के लालच में माधवी से पूर्ण बन सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की जान ले ले। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। कमल बाबू, माफ कीजिए, मौजूदा हालात की रोशनी में आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर कमल, ही अंडर अरेस्ट। आइए। हत्यारी, अब यहाँ क्या लेने आई है? कौन सा नया डोगरा जाने आई है? मैं निर्दोष हूँ अजी, मैं निर्दोष हूँ। चल जा मेरी आंखों के सामने, तूने मेरा सुहाग लूटा है, मेरा घर बर्बाद किया है। चली जा, मैं कहती हूँ चली जा। भाभी भाभी भाभी, शांत हो जाइए भाभी। आइए चलिए।
मैंने तो समझा था तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है, अब यहाँ क्या करने आई हो? कमल बाबू, जिस घर ने तुम्हें सहारा दिया उसी घर की दीवार तोड़ दी। ऐसा मत कहिए, मैं बाबूजी को अपने पिता के समान समझती थी, मुझ पर विश्वास कीजिए। विश्वास? और तुम पर? नहीं माधवी, अब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें विधवा के रूप में एक देवी समझा, तुमने पूनम बनकर मुझे धोखा दिया, सच्चाई को छुपाकर प्रेम का नाटक किया। किस लिए, क्या जरूरत थी इसकी? जवाब दो, बोलो क्या जरूरत थी इसकी? मुझे मालूम है कि मैं आपकी नजरों में गिर गई हूँ। मैं जो कुछ भी कहूंगी उसका आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं आज सिर्फ आपसे इतना मांगती हूँ, मेरे माथे पे जो कलंक लगा है अगर हो सके तो उसे मिटा दीजिए। माता जी, कौन हो तुम? आपकी असली बहू मुन्ने की माँ। चुप हो जा, मेरी कोई बहू नहीं, मुझे बहू के नाम से नफरत हो गई है। निकल जा यहाँ से, चली जा। भाभी शांत हो जी, भाभी चलिए अंदर चलिए। तुम यहाँ क्यों आई? माँ की ममता खींच ले। आज तक कहाँ थी माँ की ममता? अचानक चाचा जी की मौत के बाद आज तुम्हारी ममता जागी? कमल, इसमें इसकी भी कोई चाल होगी। मैं कहती हूँ निकाल दो इसे यहाँ से। भाभी सुना नहीं तुमने, मैं कहता निकल जा। जाती चली जाती। ये औरत यहाँ क्यों आई थी? इसी ने तो इस घर की बहू होने का दावा किया। इसने? ये औरत तो निहायत बचपन है, अपने पेट का पाप मिटाने के लिए मेरे दवाखाने में आए थे और मैं से बाहर निकाल दिया था। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ना कमल, ऐसी औरत इस घर की बहू नहीं हो सकती। आपका ख्याल सही है काशीनाथ जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस घर की असली बहू मर चुकी है। अगर ये सच है तो माधवी पूनम बनकर हम लोग को धोखा क्यों देती रही? अपनी सहेली को दिया वचन निभाने के लिए और एक भूल का प्रायश्चित करने के लिए जो वो अनजाने में कर बैठी थी। कैसी भूल, कैसा प्रायश्चित? बेटा कमल, माधवी दरअसल वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? दीनानाथ जी ने खुद ही मुझे सब कुछ बताया था। और वो जलील कैलाश के दावे सब झूठ है। माधवी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं, वो गंगा की तरह पवित्र, चांदनी की तरह उजली है। चुप है, आप लोगों को सब कुछ मालूम था, लेकिन उसने मुझसे सब कुछ क्यों छुपा? उसने सब कुछ सिर्फ तुम्हें बताया। अपने इस खत में लो पढ़ो इसे। ये खत दीनानाथ जी के हाथ पड़ गया था, असलियत जानकर कहीं तुम्हें उससे नफरत ना हो जाए, ये खत उन्होंने छुपा लिया था। तुम दोनों का मिलन करा के जिसे सबसे ज्यादा खुशी होती, आज भगवान ने उसे उठा लिया। और इल्जाम आया उस बेचारी पर जो बिल्कुल निर्दोष। काश ये खत मुझे पहले मिला होता। अरे बाटी दे, बाटी दे, बाटी दो, 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 बाटी दो, बाटी दो। क्या हुआ शीतू? मुन्ना टूटती हुई छीछी छीछी उठा रहा है बाबूजी, देखता ही नहीं। आओ मुन्ना बैठे, लो लो लो, क्या बैठे? अरे 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 पॉइजन, पॉइजन, देखो नींद की गोलियां यहां कैसे आई? मैं तो दीवान साहब कोई दवा नहीं दी थी और इसे तो मौत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं गोलियों से चाची की मौत हुई? चेतो ये चीज तुम्हें कहाँ मिली? रसोई घर की खिड़की के पीछे। रसोई घर? रमैया, रमैया, की बात? कल रात को चाचा जी को दूध किसने दिया?
बीबी जी ने बाबू जी मैं पता बनाया किसने था? मैंने बाबू जी। और कोई आया था? नहीं बाबू जी। छुट्टी गई है? कल बीबी जी का नाता था, आया था कि नहीं आया था? कैलाश आया था? जी बाबू जी। कैलाश आया था? नहीं बाबू जी। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबू जी। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ बाबू जी, आया था, मुझे झूम के देख गया और चुपके से चला गया और मैं कुछ नहीं जानू बाबू जी, और मैं कुछ नहीं जानता। और सब कुछ मैं कुछ जान जाऊंगा। माधवी, आप कुछ करोगी नहीं, बात भी नहीं करोगी? ये मैं पूछूंगी मैं यहां क्यों आया? मुझे तुम्हारा खत मिल गया है, असलियत मालूम हो गई। अब मैं तुम्हें वचन दे लिया कि जैसे भी हो मैं तुम्हारे माथे से ये झूठा कलंक मिटा के रहूंगा। बहुत देर हो चुकी कमल बाबू, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा। मैं झूठी हूँ, कलंकी नहीं, खूनी हूँ। मुझसे अब नहीं सहा जाता, मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। अपने लिए तुम पहले भी जिंदा नहीं थी, मर मर के जीती रही दूसरों के लिए। अब तुम्हें जीना होगा अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। क्या लगा तुम्हें वकील साहब की बातों से? लगता क्या है, अब तो बहुत जल्द सारी दौलत अपने कदमों में होगी। मेरे कमरे में चोरी से आने का मतलब? कैलाश बाबू से मिलना था। लेकिन मैं इनके साथ तो नहीं रहता। मैंने ये कब कहा? खैर छोड़िए, एक बहुत जरूरी इत्तला देनी थी। सुनाइए। माधवी ने अपने जुर्म का इकबाल कर दिया। क्या? उसने ऐसा क्यों किया? किसी को बचाने के लिए। किसको? ये उसने नहीं बताया लेकिन मैं जानता हूँ। कौन है? जिसके बच्चे की आप माँ बनने वाली। चिल्लाइए मत, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, होने वाले बच्चे के पिता की तस्वीर। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। मैंने इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा। बड़े ताज्जुब की बात है, आपने अपने पति को, दीवान साहब के बेटे को पहले कभी नहीं देखा। कैलाश बाबू, ये तस्वीर पूनम के पति शेखर की है, दीवान साहब के बेटे की। क्या? जी हाँ, इससे साफ जाहिर है कि आप उस घर की बहू नहीं है और ना ही आपका उस घर से कोई संबंध रहा था। अगर कोई संबंध है तो कैलाश बाबू के साथ। कमल बाबू, आपको जरूरत से ज्यादा जानकारी है। मालूम होता है आपका इरादा नेक नहीं है। बेशक इरादा नेक नहीं, लेकिन हम दोनों की मंजिल एक। कैसी मंजिल? दीवान साहब की तमाम दौलत, जिसे हासिल करने के लिए आपने शबनम का सहारा लिया और मैंने माधवी का। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ। शेखर मेरा दोस्त था, दीवान साहब को मुझ पर विश्वास था। जब एक्सीडेंट के बाद पूनम और उसके बच्चे को लेने गया, वो मर चुकी थी। फिर मुझे एक बेसहारा लड़की मिली, माधवी। मैंने उसे बूढ़े माँ बाप की ममता का वास्ता दिया, बच्चे की जिंदगी का हवाला दिया, उसके दिल में दर्द पैदा किया। फिर वो मेरी बात पर राजी हो गई और घर वालों ने उसे बहू के रूप में स्वीकार किया। और फिर मैंने उसे प्यार के रंग में रंगना शुरू कर दिया। उसे प्यार और सहारे की जरूरत थी और मुझे दीवान साहब की दौलत की। अब मैं समझा। मैं जानता हूँ आदमी काफी समझदार है, लेकिन आपने जो कुछ भी किया उससे मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि आप उस दौलत पर ऐश करें और मैं खामोश हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं आपका हर राज राज बनाकर रखने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मेरी एक शर्त माने। क्या शर्त है आपकी? दीवान साहब की दौलत में आधा हिस्सा, उनकी मिल्कियत कम से कम 20 लाख रुपए की। 20 लाख? जी हाँ, 20 लाख। अगर मेरा एक इशारा हो जाए कि उस घर की असली बहू आप हैं, तो दीवान साहब की पत्नी आपको अपना लेगी और सारी दौलत आप लोगों की। बोलिए, मंजूर है? सोच लीजिए, मैं कल आ जाऊंगा। मुझे मंजूर है। तो फिर मिलाइए आप। डन डन, इसी बात पर जश्न हो जाए। शबो, अभी लाती हूं। इस वक्त कौन हो सकता है? आप लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूं कौन है। मेरी सुन ली, मैं निर्दोष हूँ कैलाश।
लेकिन तुमने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया था। हाँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इतना बड़ा कलंक लेकर जीना नहीं चाहती थी। पुलिस ने असली कातिल को पकड़ लिया है और मुझे छोड़ दिया। असली कातिल? कौन असली कातिल? रमैया। हाँ, उसने कबूल कर लिया है कि दूध में जहर उसने मिलाया था। ओह। और उस कमीनी ने तुम्हारा भी नाम लिया है। मेरा नाम? हाँ, उसने कहा कि जहर की शीशी तुमने दी थी। ये झूठ है। भगवान करे ये सब झूठ हो, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम किसी मुसीबत में पड़ो। कैलाश, दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना सहारा नहीं है। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचे, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चले। चलो ना कैलाश, चलो चलो ना। जब जाओ बस। ओ, तो अब भी तू यहाँ मौजूद है। तू समझती है पुलिस को धोखा देकर कैलाश को डरा धमका कर मुझसे छुड़ा ले जाएगी? वाह शबनम, तूने उस घराने की बहू होने का दावा करके मेरा सब कुछ लूट लिया। आज मैं अपना हक लेने आई हूँ। कल तक तो कैलाश से नफरत करती थी, आज हम जमा रही है, प्यार जता रही है। क्यों न जताऊं? इन्होंने पुलिस स्टेशन में बयान भी दिया है कि ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ। ये झूठ है। पुलिस में मेरे खातिर इन्होंने झूठा बयान दिया था। कैलाश मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। कैलाश की पत्नी मैं हूँ इनके होने वाले बच्चे की माँ। थैंक यू मिस शबनम, हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। कानून को धोखा देना इतना आसान नहीं। थैंक यू माधवी जी। इंस्पेक्टर साहब, आपको दीवान साहब का खून करने और उनकी जायदाद हड़प करने की जालसाजी में गिरफ्तार किया जाता है। और मैडम? नहीं नहीं, आपको भी। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? मैं कुछ नहीं जानता। ये सही कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, ये कुछ नहीं जानता, लेकिन इनकी जानकारी के लिए मैंने इनका और इनके होने वाले बच्चे की माँ का बयान इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। कहिए तो सुना के बता दूं, शायद थोड़ी सी जानकारी भी हो जाएगी। थैंक यू कैलाश, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। ले चलो इन्हें और इन्हें भी। थैंक यू मिस्टर कमल, आपकी वजह से खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया और एक निर्दोष स्त्री के सम्मान की रक्षा हो सकी। कमल बाबू, आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। किस बात की? आपने मेरे माथे से कलंक का दाग मिटाकर मुझ पर जो एहसान किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। माधवी, एहसान नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। सॉरी मिस्टर कमल, कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें मेरे साथ चलना होगा। वैसे कल सुबह जमानत देकर इन्हें ले जा सकते हैं। आइए। माधवी, आइए। कमल बाबू, आपने कल वादा किया था कि माधवी को सुबह। मैं तो भाई से छोड़ दिया गया। लेकिन इंस्पेक्टर, बहुनी को लेने आया। लेकिन वो तो चली गई। कहा? ये तो पता नहीं, लेकिन ये चिट्ठी आपके नाम दे दे। कमल बाबू, मेरी छाया हमेशा आपके जीवन में ग्रहण बन कर रही, इसलिए मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो। घर? किसका घर? कौन सा घर? वही घर माधवी, जहाँ तुम्हें सहारा मिला था, मन की शांति मिली थी, मुन्ने की मासूम आंखों में तुमने अपने भविष्य के सपने देखे थे। वही घर माधवी, जहाँ चाचा जी ने तुम्हें नया जीवन देने का फैसला किया था। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। हाँ माधवी, वही घर जहाँ चाची का टूटा हुआ दिल तुम्हारी दया की भीख मांग रहा, वही घर जो कल तक तुम्हारी ससुराल थी, आज वो मैका बन चुका। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आ ये रस
गली में तेरा घर।